Assalamualaikum, hope you are doing well. आज जो है वो एक प्रोग्राम बनाया है फैमिली के साथ, लॉन्ग टूर है, इसलिए हॉलीडे टूर है फैमिली के साथ है. सो रॉचेस्टर जा रहे हैं. सो लेट्स सी क्या सिचुएशन है, इंशाल्लाह देखते हैं. ओके भाई, अभी सुबह के तकरीबन 7 बज गए और अच्छा मौसम हो रहा है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो गर्मी नहीं है. हो सकता है जब दिन आगे बढ़ेगा तो आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी होगी. तो ये निकलते वक्त इस वक्त ये सीन हो रहा है पीछे. हम लोग अपने नए रेंटेड हाउस में मूव हो गए. ये इसका बाहर का व्यू इस तरह से. पीछे मैं सामान रख रहा हूँ. अच्छा भाई, सामान रखना शुरू कर दिया. ऑब्वियसली जब आपको पता है लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ सकती है और साथ में आपको सामान रखना पड़ता है. सो अभी मैं सामान रखना शुरू किया और हमारे जो टिपिकल डीसी स्टाइल है उसमें ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, इस तरह की चीज़ें अमूमन नज़र आएंगी. हो सकता है हर बंदा नहीं लेके जाता हो, लेकिन आपको अपनी सहूलत के लिए साथ में कुछ ना कुछ चीज़ें कैरी करनी पड़ती हैं अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो. ओके भाई, घर से निकल गए हैं और तकरीबन अभी 10-15 मिनट की ड्राइव कर ली है. 7:45 हो रहे हैं तकरीबन और 75 डिग्री फ़ारेनहाइट वेदर दिखा रहा है, तो काफ़ी मतलब रीज़नेबल वेदर है. ऑब्वियसली सुबह सुबह का टाइम है, अभी आगे जाके गर्मी हो जाएगी. सो आगे जाके देखते हैं कि किस तरह का मौसम रहता है और क्या सीन रहता है. अभी तो सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी इंशाल्लाह बेहतर ही रहेगा. तकरीबन अब 15-20 मिनट के दरमियान का टाइम हो गया घर से निकले हुए. जब घर से निकले थे तो उस वक्त जो टोटल ड्यूरेशन दिखा रहा था वो 10:11 का दिखा रहा था और ये तकरीबन 650 miles है. और हम लोग जा रहे हैं रॉचेस्टर. रॉचेस्टर एक सिटी है और ये न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर आता है. ऑब्वियसली न्यूयॉर्क स्टेट भी है और न्यूयॉर्क सिटी भी है. सो न्यूयॉर्क सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है लेकिन विद इन न्यूयॉर्क स्टेट है. अरे वहाँ हम जा रहे हैं एक रिलेटिव के पास, वहाँ जाके फिर फर्दर और आउटिंग इंशाल्लाह प्लान करेंगे. नायग्रा फॉल्स वगैरह वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह. तो देखते हैं कि किस तरह का ट्रिप रहता है. होपफुली सब चीज़ें अच्छी रहेंगी और सब लोग इंजॉय करेंगे. और काफ़ी मतलब टाइम के बाद जो है इतना लंबा एक ट्रिप बनाया है, लॉन्ग ट्रिप बनाया है. और देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर रहेंगी. और आगे कोई भी चीज़ इंशाल्लाह होगी दिखाने वाली, शेयर करने वाली, तो वो भी मैं इंशाल्लाह साथ में शेयर करूँगा इंशाल्लाह. व्यू चेक करें. समर स्टार्ट है ओबियसली स्प्रिंग के बाद और समर के टाइम के ऊपर, अर्ली समर के ऊपर इस तरह की आपको ग्रीनरी नज़र आती है. जब आपको इस तरह की ग्रीनरी हो तो आपको ड्राइव करने में भी मज़ा आता है. अच्छा भाई, अभी हम लोग गुजर रहे हैं तो आई थिंक ये एपलेचन माउंटेन्स, ये रॉकी माउंटेन्स जो फेमस है यहाँ पे माउंटेन रेंज उस एरिया से, तो आप यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको बार बार कर्व्स नज़र आएंगे क्योंकि ये पहाड़ों के अंदर से आई थिंक रास्ता बनाया गया है या पहाड़ी इलाका है, तो आपको जगह जगह इस तरह के कर्व नज़र आ रहे होंगे. कभी इस तरफ मुड़ रही, जिस तरह आप नॉर्मल पहाड़ पे चढ़ रहे होते हो तो आपको इधर उधर घूम के रोल करके इस तरह से आपको गाड़ी आपको ड्राइव करनी पड़ती है. तो यू कैन सी कि पहले इस तरफ लेफ्ट की तरफ हुआ, अब राइट की तरफ हो रहा है, तो इसी तरह से ये सिलसिला चल रहा है. तो ये रोड इसी तरह से जाता जा रहा है और इस एरिया के अंदर क्योंकि ये माउंटेन रेंज है, सारी माउंटेन्स का एरिया है, तो यहाँ पे इस तरह के कर्व आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे रोड के ऊपर. और आसपास का माहौल भी, सराउंडिंग भी यू कैन सी दैट के काफ़ी ज़बरदस्त है. अब थोड़ा सा रोड जो है वो सीधा हो गया है. से इसका एग्जिट है रॉकी माउंटेन का. सो ये अब यू कैन सी दैट कि सारा पहाड़ी इलाका है और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का जो है ना यहाँ पे सीनरी है, यू कैन सी दैट. हम लोग तकरीबन 80-85 miles घर से आगे आ गए और स्टिल अराउंड 565-570 miles रिमेनिंग. सो ये टोटल जो है वो रास्ता था 10:11 या 10:15, यू कैन से दैट. ऑब्वियसली आप जब स्टॉप करते हो रास्ते में, कहीं रुकते हो रेस्ट एरिया में या किसी और पर्पज़ के लिए, तो फिर एक्स्ट्रा टाइम लगता है. लेकिन जो अगर आप कंटिन्यूसली ड्राइव करते रहो, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इस वजह से
तो अगर आपको अगर आप कंटिन्यूसली ड्राइव करोगे तो 10 घंटे 11 मिनट या 10 घंटे या आप थोड़ा तेज़ जा रहे हो तो 10 घंटे आपको लग जाएंगे, लेकिन कंटिन्यूसली आप ड्राइव कर नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं पर रेस्ट करना पड़ता है, खासकर जब एक ड्राइवर हो तो तकरीबन 11 11.5 घंटे लग जाएंगे अगर आप ज़्यादा नहीं रुकते हो तो। बट लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है, अभी तो जस्ट सफ़र स्टार्ट हुआ है और आगे जाके इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या सीन बनता है। चेक दिस व्यू, जबरदस्त। आसपास का थोड़ा सा व्यू चेक करें, छोटे मोटे आई थिंक यहाँ पे इन्होंने कार्ट्स वगैरह या शॉप्स वगैरह भी बनाई हुई हैं, क्योंकि ये आई थिंक ब्लू रिच पार्कवे का एरिया है और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे विजिटर्स आते रहते हैं और यहाँ के अपने ऑब्वियसली रेजिडेंशियल एरिया भी है आसपास, लेकिन व्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। पहाड़ों का सीन चेक करें, सामने जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं एग्जैक्टली, मैंने थोड़ा सा जूम किया है। हमारी टिक्के अगर नतिया गली दल सीन लगता है बिल्कुल। अच्छा भाई, अब जो है वो एक बड़े हाईवे से कनेक्ट हो गए हैं, दिस इज़ I-81 नॉर्थ पे जा रहे हैं और इस हाईवे के ऊपर तकरीबन 283 माइल्स का दिखा रहा है, तो अब पुलिस वाला भी खड़ा हुआ नज़र आ गया मुझे सामने, तो लोगों ने स्पीड बराबर कर दी है, मैं भी जो है वो फास्ट लेन में नहीं था, सो ज़बरदस्त थोड़ा स्पीड से तो ऊपर ही जा रहे हैं सब, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थे। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इस हाईवे के ऊपर अब तकरीबन जो है वो 283 माइल्स आपने चलना है, सो 283 माइल्स इस हाईवे के ऊपर है, विच इज़ यू कैन से दैट के तकरीबन 3.5-4 घंटे लगेंगे या उससे भी ज़्यादा हो सकता है इस हाईवे के ऊपर। तकरीबन 3 घंटे ड्राइव के बाद आई थिंक, मुझे अभी एग्जैक्टली पता कितने माइल्स चले हैं, लेकिन आई थिंक 200 माइल्स से ऊपर ही आए होंगे या 200 माइल्स के आसपास आए होंगे, तो उसके बाद यहाँ आके रेस्ट एरिया में यह स्टॉप किया है और बाथरूम वगैरह जो यूज़ करना था वो करके थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लिए, अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में बस निकलते हैं, बाकी लोग भी आ जाएं, और ये थोड़ा सा फ़ायदा होता है हाईवे के ऊपर आपको यहाँ पे रेस्ट एरिया मिल जाते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह से पाकिस्तान में आई थिंक मोटरवे के ऊपर भी इस तरह के रेस्ट एरियाज़ इन्होंने बनाए हुए, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये रेस्ट एरियाज़ होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजी है क्योंकि लॉन्ग वीकेंड का स्टार्ट है तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और रश आपको अगर गाड़ियाँ पीछे नज़र आ रही होंगी तो यू कैन सी दैट गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं। अच्छा भाई, रेस्ट एरिया में तकरीबन 20 मिनट स्टॉप किया है और 20 मिनट लगे बस आप निकल रहे हैं, तो 20 मिनट आप ऐड कर सकते हो जो टोटल ड्यूरेशन जितना मैं रख सकता था, अभी दोबारा देखते हैं आगे जाके फ्यूल के लिए रुकना पड़े शायद दोबारा या दोबारा कभी स्टॉप करना पड़े, सो लेट्स सी। चेक करें भाई, व्यू चेक करें। अभी हम लोग हैं पेंसिल्वेनिया में, हम लोग नॉर्थ कैरोलिना से ऑब्वियसली स्टार्ट हुए थे हमारी जो स्टेट है, उसके बाद वर्जीनिया में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस था जो ज़्यादा जो गाड़ी ड्राइव हुई है वो वर्जीनिया में हुई है तकरीबन 3-4 घंटे, उसके बाद फिर थर्ड वन थी वेस्ट वर्जीनिया, उसके बाद मैरीलैंड फोर्थ वन, और उसके बाद अभी ये पेंसिल्वेनिया है। सो नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया, ये 5वीं स्टेट है, और इसलिए अगर अपनी स्टेट को निकाल देंगे तो 4th-4th स्टेट में हम लोग आ चुके हैं। पेंसिल्वेनिया के अंदर कहीं पे यहाँ पे आई थिंक ये मे बी रेजिडेंशियल एरिया है या थोड़ा सा आबादी वाला,
जगह है तो जिसकी वजह से स्पीड लिमिट कम है, और यहाँ पे हम लोग आई थिंक फर्स्ट टाइम आए इस रोड के ऊपर, क्योंकि वैसे तो हम न्यू जर्सी जाते रहते हैं और पेंसिल्वेनिया से गुजरते हैं, लेकिन अभी हम लोग रॉचेस्टर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आई थिंक ये थोड़ा डिफरेंट रूट है। सो इस एरिया में या इस रोड के ऊपर से आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम ही गुजर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की रोड के ऊपर से मैं गुजरा हूँ। तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का एक व्यू आ रहा है। आगे ट्रैफिक जैम है भाई, में रोड भी सिंगल है ना ये वाला। सीन चेक करें भाई, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है, सामने पहाड़ है बिल्कुल और दोनों तरफ ग्रीनरी है, और जबरदस्त किस्म का जो है ना आपको फील आता है ड्राइव करते हुए। सीन चेक करें भाई, जैसे मारगला की पहाड़ियों में जाते ना ऊपर की तरफ, उस तरह का रास्ता नजर आ रहा लग रहा है, इस्लामाबाद में जैसे पहाड़ है मारगला के। चेक करें भाई, साथ में रिवर गुजर रहा है। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10.5 घंटे हुए हैं, 10 घंटे 30-32 मिनट तकरीबन हुए, और थोड़ा सा रास्ता रह गया, आई थिंक 6-7 मिनट का रास्ता है। वो ज़बरदस्त किस्म का सफ़र है, मतलब कोई डिले नहीं हुआ, 2-3 जगह रुके भी हैं, तकरीबन 30-35 या 40 मिनट लगे हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 10 घंटे 40 मिनट में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। सो दैट इज़ रियली गुड। तकरीबन 7:28 पे निकले थे, अभी 6:12 हो रहे हैं, सो आई थिंक 5-6 मिनट का सफ़र बस रहेगी। ओके भाई, फाइनली रॉचेस्टर के आई थिंक हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ओके भाई, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। ठीक है भाई, थैंक यू।